नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। आज बात करने वाला हूं बकरियों में टेम्परेचर का लो हो जाना। बहुत सारे भाइयों ने यह समस्या फेस की होगी, लेकिन सही से इलाज ना आ पाने के कारण, सही से जानकारी ना हो पाने के कारण बहुत अधिक मोर्टैलिटी होती है। और अभी तक सर्दियों का मौसम जो चलता रहा है, बहुत ज़्यादा जानवर आपके इसमें मरे होंगे। रीजन क्या होता है, कारण हमको नहीं पता होते हैं कि बकरियों का टेम्परेचर लो क्यों जाता है, लो कैसे हो जाता है, क्या हम देख रेख करें जिससे बकरियों का टेम्परेचर लो ना हो। तो सबसे बड़ा रीजन जो रहता है टेम्परेचर लो का, वो रहता है लीवर डिसफंक्शन, यानी लीवर का सही से वर्क ना करना। लीवर यदि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो बकरियों का टेम्परेचर लो हो जाएगा। लीवर का काम क्या है, लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास इकट्ठा करता है, रखता है, प्रोटीन को रखता है, वसा को रखता है, इसका चयापचय करता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। यानी यदि सही से कार्बोहाइड्रेट हम बकरियों को नहीं दे रहे हैं, सही से ऊर्जा नहीं मिल रही है, या लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी। और ऊर्जा की जब कमी हो जाएगी तो बकरियों का टेम्परेचर डाउन चला जाएगा। रीजन आपको समझ में आ गया, यदि सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम में हम सही से कार्बोहाइड्रेट बकरियों को नहीं खिला रहे हैं, पर्याप्त नहीं मिल रहा है, बकरी कमज़ोर हो रही है, और गर्म तासीर की चीज़ें जैसे बाजरा वगैरह हम नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, बकरियों का टेम्परेचर डाउन चला जाएगा। और टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो रीजन क्या रहता है, पर्याप्त रूप से ऊर्जा का ना मिलना, इस वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन रहता है वो रहता है शरीर में पेट के अंदर कीड़े हो जाना। यदि बकरियों के पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, लीवर फ्लू को हो जाता है, तो क्या होता है, लीवर सही से काम नहीं करता है, प्रोटीन का सही से चयापचय नहीं करता है, और ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाती है। यदि ब्लड में प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या होगा, जो ब्लड का पानी होता है वो नसों से बाहर आ जाता है और एडीमा देखने को मिलता है, बकरियों के गले के नीचे सूजन आ जाती है, उसमें पानी भर जाता है, और टेम्परेचर यहाँ पर डाउन चला जाएगा। तो ये एक रीजन रहता है कि पेट के अंदर कीड़े होने के कारण भी बकरियों का टेम्परेचर डाउन चला जाता है। तीसरा रीजन जो रहता है वो रहता है मिल्क फीवर का। यदि बकरियों में कैल्शियम की ब्लड में कमी हो गई तो मिल्क फीवर हो जाता है। बकरी हाल ही में यदि ब्याई है, खड़ी नहीं हो रही है, टेम्परेचर डाउन में क्या होगा, बकरी खड़ी नहीं होगी, खड़ी नहीं होगी, टेम्परेचर डाउन होगा। तो आपको देखना है, हाल ही में तो नहीं ब्याई है, यदि हाल ही में ब्याई है तो आप समझ जाओ कि कैल्शियम की कमी हो गई है, या मैग्नीशियम की कमी हो गई है, या फास्फोरस की कमी हो गई है। इसके रीजन क्या रहते हैं, गर्भावस्था में खून में कैल्शियम कम होना। यदि गर्भावस्था का समय चल रहा है और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में बकरी को नहीं मिला है तो मिल्क फीवर हो सकता है, बकरी बैठ सकती है। गाभिन पशु को लंबा यातायात कराना, यदि आप बहुत अधिक लंबा यातायात कराते हैं तो भी गाभिन बकरियों में टेम्परेचर लो की समस्या देखने को मिल सकती है। ब्याते समय जानवर का सारा खीस निकाल लेना, यदि बकरी आपकी ब्याई है, आप पूरा दूध निकाल लेते हैं। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, उस दूध को निकाल के फेंक देते हैं, मेमने को भी नहीं पिलाते, कहते हैं इससे दस्त लग जाएगा। तो वो खीस यदि आप पूरा एकदम से निकाल लेते हो तो कई बार बकरियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और बकरी बैठ जाती है। तो आपको क्या करना है, एकदम से खीस नहीं निकालना है। चौथा रीजन जो रहता है, हाइपोकैल्सीमिया।
यानी दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाती है, जानवर बैठ जाता है, इसमें भी जानवर के झटके आते हैं। तो ये रीजन हो सकते हैं टेम्परेचर डाउन के। अब टेम्परेचर डाउन चला गया है तो आप क्या करोगे? यदि कैल्शियम की कमी हो गई है, मिल्क फीवर हो गया है, आपको देखना है हमारा जानवर एक दो दिन पहले ही तो नहीं ब्याया है। यदि एक दो दिन पहले ब्याया है और जानवर बैठ गया है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? कैल्शियम मैग्नीशियम बूरो ग्लूकोनेट 1 ml प्रति केजी बॉडी वेट आपको आईवी करवाना है। डॉक्टर को बुला के आईवी करवाओगे तो जानवर बच जाएगा। तो ये आपको करना है। यदि सर्दी जानवर को लग गई है तो आप देसी तरीके भी अपना सकते हो। सबसे पहली चीज, जानवर को आग जलानी है। जानवर को आपको लहसुन अजवाइन का तेल पिलाना है। दूध भी आप दे सकते हो अंडा मिला के, इससे भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और क्या क्या चीज़ें पिलाई जा सकती हैं? पोटेशियम क्लोराइड, पोट क्लोर नाम से दवा आती है, 200 ml की दवा आती है। आप 20 ml उसको जानवर को पिला सकते हो। न्यूरोकाइंड वेट का सिरप भी 10 से 20 ml जानवर को, ये 20 से 25 kg वाले जानवर को मैं बता रहा हूँ, 25 से 30 kg जो 20-30 kg के बीच में है उनको इतना आप दे सकते हो। यदि कैल्शियम या फास्फोरस की कमी लग रही है तो आप टोनोफास्फोन 10 kg पर 1 ml, कैल्बिट 12 10 kg पर 1 ml यूज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर से करवा सकते हैं, बुला सकते हैं, दिखा सकते हैं। यदि आपको सीखना है, खुद करना है, तो ट्रेनिंग बैच में जुड़ सकते हैं। बेहतरीन जानकारी दी जाती है। आप आईवी कैसे लगाओगे, मांस में इंजेक्शन कैसे लगाओगे, कैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा छोटे बच्चों की मोर्टैलिटी होती है, कैसे होती है? दस्त से होती है। आप बचा नहीं पाते हो, डॉक्टर बुलाते हो नहीं बचता है। क्या रीजन होता है? हाल ही में अभी आप लोगों को दिखाया था, मैंने बच्चे को बचाते हुए भी दिखाया था क्या होता है। सोडियम क्लोराइड की यदि बहुत अधिक छोटे बच्चे में दस्त लग गए हैं तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। वहां पर आपको क्या करना है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो आपको क्या करना है कि DNS जो है चढ़ानी है। मैंने आपको बताया था 8 से 9 ml प्रति 1 kg बॉडी वेट आप चढ़ा सकते हो। यदि ये चीज़ें नहीं करते हो, आप सिर्फ दवा के भरोसे बैठे हो कि 2 ml 3 ml पिला देंगे, जब बच्चा आपका लेट गया है नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। और जब तक डॉक्टर आएगा तब तक टपक जाएगा, बिल्कुल क्लियर चीज़ है। तो यदि सीखना है, सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, A to Z जानकारी, अभी तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, सीखा है, कोई भी भाई ये नहीं कह सकता कि बिमल भाई हमको सीखने को नहीं मिला, हमारा पैसा जो है वेस्ट चला गया। बहुत सारे भाई हैं, अभी ट्रेनिंग का जो पहला बैच है वो ख़त्म होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं रखी गई है, आपसे 1000 रुपये महीने, 1.5 महीने क्लास चलती है, प्लस 1 साल का बैक सपोर्ट रहता है। सबसे पहले उन भाई के पास मिलाते हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 जगह से ट्रेनिंग ली है, नागपुर से हैं, आज मिलाते हैं। कभी मेरी बात नहीं हुई है, ट्रेनिंग पीरियड में भी बात नहीं हुई, इन्होंने शुरुआत में बताया था हमने बिमल भाई 2-3 जगह से ट्रेनिंग ली है। आज पूछते हैं हमारी ट्रेनिंग से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, 4 जगह से ट्रेनिंग लेने के बाद भी कुछ सीखने को मिला कि नहीं। हेलो हाँ, नमस्कार दत्ता भाई। हाँ सर, बोलिए ना सर। अरे ये कह रहे हैं ट्रेनिंग का बैच जो है खत्म होने जा रहा है, कैसा रहा, ठीक लगा कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल बहुत जबरदस्त नहीं, नहीं आपने तो कहा आपने तो पांच छह जगह से ट्रेनिंग ली थी, तो वहाँ से बेटर था कि नहीं? बिल्कुल बहुत बेटर है सर। वहाँ पे कैसा पढ़ाया गया था, ऐसा कुछ बताया गया था? नहीं सर, इसका डीप में नहीं था ना सर, वो तो ऊपर ही ऊपर बता देते थे, बस ये करना है, वो करना है, वैसा करना है। अच्छा, यहाँ तो पूरी दवा दारू सब पता चल गया सर।
अच्छा दारू भी पता चल गया, दारू पीना लेना ठीक है, जो देना है वो तो पता चल गया। अच्छा चलो आईवी कर लोगे अब? नहीं वो तो मैं सब कुछ कर लेता था, आईवी वगैरह जो भी है वो सब कुछ कर लेता हूँ। अच्छा लेकिन बेटर पता नहीं था कि हमको कहाँ पे क्या इलाज करना है, बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाते। हाँ बीमारी को वही नहीं समझ पाता था। अब यहाँ पे कारण और इलाज पूरा डायरेक्ट सही से बता, मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे ये बीमारी हो सकती है। चलो चप्पल से चप्पल से 3 लाख का माल मंगाया था, लॉस हो गया था। ठीक, लाभ हुआ है। देखो आपने बहुत जगह से ट्रेनिंग ली थी, तो जो लोग बहुत जगह से लेते हैं यदि हम उनको कुछ दे पा रहे हैं तो ये होता है ना कि चलो हमारी ट्रेनिंग सफल हुई, कुछ सिखाया, कुछ सीखने को मिला। हाँ सर कैसा है सर, एक्चुअली मैं लेना चाहता था काफी दिन से, मैं इसके पहले भी आपसे फोन किया था लेकिन आपकी ट्रेनिंग चालू नहीं थी सर। हाँ अभी हेलो, अभी मैंने हाल ही में नया चालू किया है ना, अभी देखो इस बैच में कितने 138 लोग हैं, आप जिस बैच में हो 138 लोग हैं। हाँ और अभी आपको बैच छोड़ना नहीं है क्योंकि अभी मेडिसिन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, तुम अगर बोलूंगे कि अगले साल के लिए और आपको 500 लगते हैं ना तो भी सर मैं करवा दूंगा, कोई विषय नहीं सर उसका। नहीं अब कोई भी पैसा, देखो मैं इतना लालची नहीं हूँ कि पैसा लेता रहूँ ट्रेनिंग के नाम पे, अभी कह दूँ मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। हाँ उसका अलग, भी इंसान अगर अपने को टाइमिंग टाइम देता है ना सर, तो उसकी कुछ चीज होने को ना सर, अगर आप पैसे नहीं लोगे ना तो हम लोग भी कैसा है, हाँ सर बता रहे अपन सुन रहे, नहीं नहीं में नहीं होता सर ये सब कुछ। अरे वो तो ठीक है लेकिन मैंने 1,000 रुपए आपसे ले लिए, उसी में मेडिसिन के बारे में और डीपली बताऊंगा कि यहाँ पे इतने इंजेक्शन क्यों यूज होते हैं, वो सारा चीज अभी रह गया है टॉपिक। हाँ आपका जो बेसिक था वो सारा कंप्लीट हो गया है, जनरल जो बेसिक इलाज था वो कंप्लीट हो गया है, मतलब काफ़ी कुछ इतने में सीख गए होंगे, लेकिन अभी कुछ ना कुछ चूंकि ये इसमें अपडेट होता रहता है ना किन दवाओं का रिजल्ट मिल रहा है कैसा क्या, इसलिए ग्रुप नहीं छोड़ना है। ठीक है ठीक आओ सर नागपुर आओ कभी तो फोन करो आज से सर। ठीक अभी तो आज तो मैंने शायद आपके सेवा का कुछ शेयर दे दो, शायद मैंने पहली बार ही आपके पास फोन किया होगा। आओ आओ सर ठीक है यार, आओ जब भी नागपुर आते हो तो फोन करो सर, हमको भी आपके सेवा का थोड़ा ये दो। ठीक आएंगे तो फिर देखो फोन करेंगे भाई। हाँ ठीक है सर ठीक, तो आप लोग देख सकते हो इनके मैं वो सर्टिफिकेट भी लगा दूंगा इसी में, कितनी जगह से ट्रेनिंग लिया, एक नहीं दो नहीं, और जिन भाइयों ने कहीं से ट्रेनिंग लिया था 100% संतुष्ट हैं, 138 लोग हैं, कोई एक भाई ये नहीं कह सकता कि विमल भाई हमको सीखने को नहीं मिला और आपने जो हमको बताया जो हमने इलाज किया उसमें रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि हम प्रैक्टिकल काम करते हैं इसलिए आपके पास भी मौका है। नया बैच जो है चालू होने जा रहा है 5 अप्रैल से, और गारंटी देता हूं मैं, गारंटी के साथ सिखाता हूं कि आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, आप 36 जगह से सीखे हो फिर भी यहां से सीख के कुछ ना कुछ जाओगे और पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, इतना आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, जो आपका जानवर सही नहीं हो रहा होगा वो भी सही करना सीख जाओगे, क्योंकि यहां पर कारण बताया जाता है। सबसे पहला कारण, जैसे मैंने बताया कारण क्या है, लक्षण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, जब तक आपको कारण नहीं पता होंगे आपको उसको लक्षण नहीं पता होंगे तो इलाज नहीं कर पाओगे। डॉक्टरों का हाल तो आपको पता है, यदि आपका छोटा सा मेमना लेट गया है तो डॉक्टर आएगा नहीं, मिलने उसको कितने आप दोगे 50 रुपया 100 रुपया, 100 रुपये में डॉक्टर आता नहीं है, और डॉक्टर को भी पता है कि 150 मिलने हैं कौन जाएगा, और इतना ज़्यादा बच्चा लेट गया तो कौन ड्रिप लगाएगा, कौन उसकी नस ढूंढेगा, ये सारा चीज नहीं करना चाहते। भैंस बीमार होगी डॉक्टर जाएगा, बकरी बीमार होगी डॉक्टर नहीं आएगा, आप यदि फार्म कर रहे हो तो आपको ही सीखना होगा, भले डिग्री नहीं है लेकिन आप जब काम करते रहोगे तो मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, आप उसको पालना सीख जाओगे, बेसिक जो जानकारियां हैं वो सीख जाओगे, तो जब बेसिक जानकारी आपको रख रखाव आ गया तो उतनी ज़्यादा बीमारी भी नहीं आएंगी, और जो बीमारी आएंगी उसके लिए हम 1 साल का बैक सपोर्ट देते हैं।
फीस कितनी है? मात्र 1,000 रुपए है। 1,000 5 अप्रैल से जो है बैच है। और फोन में अभी मैं बाद में बात कर लूंगा। 5 अप्रैल से बैच है। मेरा नंबर डिस्प्ले पे ही लगा दूंगा, 9868377167। चलते हैं, मिलते हैं और किसी जानकारी के साथ। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।